नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मयूर एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो धौलपुर जिले का है, रोजगार कार्यालय का, जहां पे बच्चों को मैसेज डाल के बुलाया गया कि आपको रोजगार के लिए आना है, आपको रोजगार दिया जाएगा 8 सितंबर को। कंपनियाँ आ रही हैं, आप आइए, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। लोग पैसा खर्च करके कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये का अपना किराया खर्च करके यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ क्या मिला आप भीड़ को देख रहे हो। तकरीबन सुबह यहाँ पर 250 से 300 लोगों की भीड़ थी, लेकिन आधे ही घंटे में आधे से ज़्यादा भीड़ को भगा दिया, 25-40 मैक्सिमम 50 लोग रह गए होंगे। रीज़न क्या था, मैसेज में बिल्कुल भी क्लेरिफिकेशन नहीं था कि आप ओवरेज हो कि नहीं हो, आपकी एज लिमिट क्या है, आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपको ग्रेजुएट है या नहीं है, वो तमाम जानकारी मैसेज के अंदर नहीं दी गई थी। मैं मैसेज आपको साइड में दिखा रहा हूँ, इस तरह का मैसेज लोगों को भेजा गया। लोग यहाँ आए, आते ही उनको तुरंत भगा दिया गया, ना तो लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया, ना चाय पानी नाश्ते की कोई व्यवस्था की गई रोजगार कार्यालय में। लेकिन बहुत बड़ा बैनर लगा के पीछे मुख्यमंत्री साहब का और मंत्री जी का, अशोक चांदना जी का, बड़ वाह भाई लूट ली यहाँ के अधिकारियों ने। जिले में अखबार में छपवा दिया कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेसमेंट ड्राइव चला। इसकी भी सच्चाई ये थी कि ये कोई प्लेसमेंट ड्राइव नहीं था, बल्कि एक ट्रेनिंग सेशन था, जिसके लिए आपको 49,000 रुपये पे करने हैं, 49,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें 5,000 रुपये आपको ट्रेनिंग के इनिशियली में, स्टार्टिंग में पे करने पड़े, बाद में की जॉब जो पैसे हैं आपको, अगर जॉब मिलेगी तो पे होगा, नहीं तो ठीक है 5,000 रुपये तो आपके गए कम से कम। क्या बेरोजगार को साथ में ये मजाक नहीं है? एक तो वो लोग ऑलरेडी जॉब के लिए भटक रहे हैं कि कहीं से जॉब मिले, 2-5 रुपये का धंधा हो, घर का गुजारा हो, और उनसे 5,000 रुपये इस तरह से स्टार्टिंग में मांग लेना, जॉब की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या बेरोजगारों के मुंह पे तमाचा नहीं है सरकार का? क्या रोजगार कार्यालय ने ये एक भद्दा मजाक नहीं किया? क्या इस तरह के मजाक भविष्य में इन लोगों के साथ में होते रहेंगे? क्या जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई लेगा? क्या इसी तरह की प्लेसमेंट ड्राइव होती रहेंगी कि पैसा खर्च करो, स्किल सीखो, उसके बाद में जॉब मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी? क्या गारंटी कोई देगा कि स्किल सीखने के बाद भी जॉब मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी? आम आदमी तो 50,000 रुपये पे कर देगा, लेकिन उसके बाद में क्या गारंटी जॉब सिक्योरिटी की, क्या गारंटी जॉब मिलेगी 4-3 साल उसको जॉब दी जाएगी, क्या गारंटी इसको 15 दिन के बाद जॉब से नहीं निकाल दिया जाएगा? तमाम लोग अपना पैसा खर्च करके, तमाम लोग अपना किराया खर्च करके, तमाम लोग इतनी बढ़ती हुई महंगाई में डीजल पेट्रोल खर्च करके अपनी गाड़ियों से यहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ किस लिए? जॉब की, रोजगार की एक उम्मीद में। लेकिन यहाँ पर उस उम्मीद के साथ में एक धुंधला सा मजाक किया गया जो लोगों की समझ में नहीं आया। सिर्फ ये कह के निकाल दिया गया कि आप ओवरेज हो, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ से ऊपर के लोगों को हम नहीं लेंगे, नीचे के लोगों को लेंगे। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट वालों को ही लेंगे। क्या मजाक नहीं है? इस मैसेज के अंदर ये लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते थे, जिससे कि जो लोग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आए हुए थे जॉब के लिए, वो कम से कम ना आते। उनके पास एक धैर्य तो था कि ठीक है अभी जॉब नहीं है, घर पर बैठे हुए। इसी बढ़ती हुई महंगाई में, इस बेरोजगारी में उनके पास में ये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, 100 रुपये 200 रुपये जो पेट्रोल खर्च करके आए, 400 रुपये पेट्रोल खर्च करके आए हैं, किराया खर्च करके आए हैं, वो एक्स्ट्रा वजन तो नहीं पड़ता। क्या सरकार आए दिन ऐसे ही मजाक करती रहेगी? क्या रोजगार कार्यालय ने कोई भी सिंपैथी, कोई भी मानवता नहीं रही है ऐसे लोगों के साथ मजाक करने की? जिला प्रशासन को इसके कदम उठाने चाहिए, कड़े से कदम उठाने चाहिए, रोजगार की व्यवस्थाएं करवानी चाहिए। अगर रोजगार नहीं दिला सकते तो कम से कम ऐसे मजाक तो ना करें लोगों के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ऊपर तक ज़्यादा शेयर करें और रोजगार कार्यालय के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, अगर रोजगार देना है तो दो, इस तरह के भद्दे मजाक ना करें। धन्यवाद दोस्तों।